का नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। रुक करते हैं खबर की ओर। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर मैदानी जंग अब छिड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं अब मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में चाय पे चर्चा की सफलता के बाद उसे आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर टिफिन पे चर्चा या भोजन पे चर्चा की तैयारी कर चुकी है। इसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में जनता का समर्थन जुटाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने कहा कि टिफिन पे चर्चा या भोजन पर चर्चा अब भाजपा के जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इसे पूरे यूपी में आज से शुरू किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान की श्रृंखला की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 2 दिवसीय पहला प्रशिक्षण शिविर 5 जून से लखीमपुर खीरी में होगा। यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ ही जिलों में अखिलेश यादव के दौरे का अभियान भी शुरू हो जाएगा। बता दें पार्टी का अगला प्रशिक्षण कार्यक्रम सीतापुर में 8 व 10 जून को होगा। अखिलेश ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लें और उनकी कोशिश होगी कि वह हर जिले में इसके लिए पहुंचे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण का अभियान सपा ने विधानसभा चुनाव से पहले और अधिकांश जिलों में इसका आयोजन किया था। सपा मुखिया ने चित्रकूट समेत कई शिविरों में शिरकत भी की थी और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी तैयारियों को लेकर मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि 2024 की लड़ाई में किसका पारा हाई नजर आता है। बता दें कि चुनावी रंग को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाय पर चर्चा के बाद अब टिफिन अभियान चलाने जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर अभियान को साथ लेकर मैदान में उतरी हुई है। दोनों पार्टियां अपने मेगा प्लान को लेकर चल रही हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, सीधा मुकाबला माना जा रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो चर्चा की शुरुआत मैं तारिक जी आपसे करना चाहूंगी। जिस अभियान को आपने विधानसभा चुनाव में आजमाया था, एक बार फिर से आप उसे लोकसभा चुनाव के मैदान में लेकर उतर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस प्लान के साथ उतर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें लग गई है। हम एक शिविर सीतापुर में करने जा रहे हैं, जो एक ट्रेनिंग टाइप का शिविर होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि एक तो जो वोटिंग परसेंटेज घटता जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और दूसरा समाजवादी पार्टी का जो बूथ स्तर पर कमेटियां हैं उसको मजबूत बनाने का अभियान है, जिसको बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और 1-1.5 महीने में उसको पूरा करने की जिम्मेदारी वहां पर जितने भी विधायक हैं या वहां पर जो प्रत्याशी लड़े हुए हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ स्तर पर कमेटियां बनाए, ताकि एक बूथ पे जितने भी हमारे वोटर हैं या जितने भी लोग हैं उनको उन तक जो समाजवादी की बातें हैं वो पहुंचाया जाए। एक और अहम बात जो समाजवादी पार्टी ने रखी है, जिसका समाजवादी पार्टी जिस पे ध्यान देने जा रही है, वो ये देने जा रही है कि एक लोकसभा सीटों में ऐसी कौन सी चीजें थी जो वहां के सांसद नहीं कर पाए या वो उन्होंने वादा किया था, या जो मूलभूत समस्या है उस लोकसभा सीट की या उस क्षेत्र की,
जिस पे ध्यान नहीं दिया गया उस पे केंद्रित कर चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि हर लोकसभा सीट की अपनी भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो तमाम किस्म के मुद्दे हैं उन पे, और अंबेडकरवादी लोग और जो लोहियावादी लोग हैं उनको साथ में लाया जाए, और एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए कि ये सिर्फ दलितों के घर खाना खाते हैं मगर अपनी प्लेट लेके जाते हैं। अभी ब्रिजेश पाठक दलित के घर गए, खाना खाया और वहां खाना नहीं खाया, केले को खाना नहीं कहते, आई एम वेरी सॉरी टू से, केला खा रहे थे वहां पर। तो आपने के जो ऊपर आरोप है वो सीधा सीधा यही है कि अगर आप उद्घाटन करते हैं, बहुत बड़ा उद्घाटन करते हैं, सारे उद्घाटन, कई उद्घाटन आपने किए, लेकिन प्रेसिडेंट जो उच्च पद पे थी वो दलित थी इसलिए नहीं बुलाया आपने। जब आप राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट दलित था इसलिए नहीं बुलाया, सीधी सी बात, एकदम क्लियर कट। ये भाजपा की जो नीति है कि ये वोट तो उनका लेना चाहते हैं लेकिन उनको बराबरी का अधिकार नहीं, जो बैकवर्ड है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनके लिए जब जनगणना की बात आती है तो आप करा के उसको क्लियर करिए। देखिए बिहार में हो रहा है, आप एक स्टेप नहीं उसकी तरफ आगे उठाते हैं और उसके बाद उनके घर जाके खाना खाते हैं, अपना केला अपनी प्लेट ले जाते हैं, अपनी फैसले की बॉटल ले जाते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वहां पर अभी आप पिक्चर्स में मोबाइल पे देख रहा था मैं, कहिए तो आपको भी दिखाऊं, ऐसे आप इक्वालिटी लेकर आएंगे ऐसे समाज में जो समानता में जो बिखराव है उसको बटोरेंगे, ऐसे आप दलित समाज को सम्मान दिलाएंगे, ये बिल्कुल एकदम बीजेपी की बात कहीं से समझ में नहीं आती है। हम सीधा सीधा जो इन्होंने इनके जो बड़े बड़े जो झूठ हैं उन झूठों को अगर हम जनता तक कनेक्ट कर ले जाए तो भारत समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस का अब हम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ये अंतर्यामी है ये भविष्य जान गए, भाजपा के लोग भविष्य जान गए हैं, ठीक है, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अभी से बताने लगे हैं कि ये 80 में 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, कहीं ये 80 में 82 सीटें ना जीते, उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लाई ना कर, स्प्लिट कर देंगे कुछ सीटों को और 80 में से 82 सीटें ना जीते। तो इस तरीके की हवाई बातें हैं जिसपे हंसी आती है, चुनाव होने दीजिए, लड़िए चुनाव, 80 में से 100 सीटें जीतने की बात करने वालों पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं। तारिक जी आप अपने आप को कहां देख रहे हैं 80 सीटों पर? मैम चुनाव लड़ा जाता है, 80 सीटों पे कहां देख रहे हैं, इसका जो भविष्य पढ़ते हैं भाजपा के लोग इनसे पूछिएगा, अभी बताएंगे 80 में 350। उनके पास अपना कोई कॉन्फिडेंस होगा, कुछ आधार होगा, उस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि 80 सीट पर जीत हासिल करेंगे। हम हर सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी, वैसे तो जितने अगर पिछला लोकसभा 5 विधानसभा ऑलमोस्ट 5 विधानसभा से ज्यादातर, एक दो उत्तर प्रदेश की सीटें छोड़ दी जाए तो 5 विधानसभा से एक लोकसभा उसी अनुपात से निकाल लीजिए तो हम कितनी सीटें जीतेंगे। लेकिन इसी तरह हवाई जहाज जी, ठीक है कि हम भविष्य पढ़ने, यही एस्ट्रोलॉजी सीखा योगी जी ने, मोदी जी ने, जो भविष्य पढ़ने लगे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। अगर ये भविष्य पढ़ के बता दें अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा तो हमको फायदा मिल जाएगा, फिर हम उसी हिसाब से तैयारी करें या इतने मेडल जीत पाएंगे, ये जो भविष्य पढ़ने लगे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाजपा। देवेंद्र जी चाय पे चर्चा के बाद अब टिफिन पर चर्चा, क्या कुछ इसकी रणनीति है, किस प्लानिंग के साथ? जी चाय पे चर्चा का दौर चल रहा है, टिफिन पे चर्चा का दौर शुरू होने जा रहा है। 30 मई से हमारा 30 जून तक एक लंबी श्रृंखलाओं का अभियान शुरू होने जा रहा है, और एक राजनीतिक दल के रूप में हम अपने हित में जो भी कर सकते हैं करेंगे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय कई बातें कह रहे, समानता की बात, दलितों की बात, ये अपने आज 3 में पहले झांक कर देखें, क्या इन्होंने कभी किसी समाज का सम्मान किया? एक परिवार एक जाति, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। किस लोहियावाद और अंबेडकरवाद की बात करते हैं ये? कई बार शासन सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने किस, अब तो मैं तो अभी आया है एक सर्वे में
कि इनके समय में सिर्फ बैकवर्ड के नाम पे दलितों का भी छीनकर सिर्फ यादवीकरण किया गया। ये हमारी बात करते हैं राम से, रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते हैं, उनको अपने देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाए। हमने वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, जो आदिवासी जो ट्राइब्स में आते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरस्कार नहीं जिन जातियों का, उसको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पहले अपने जो इन्होंने किया है विगत समय किसका भला किया, जनता के बीच इन्होंने, अभी ये चल रहा है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कौन सा विपक्ष का ये काम कर रहा है? इनके पास जब चुनाव आता है तो इनके पास एक विलाप करने के सिवा कुछ बचता नहीं है। भाई सभी राजनीतिक दल सबको कार्यक्रम करना चाहिए, जनता के संघर्षों के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, जमीनी हकीकत है कुछ नहीं, जमीन गायब है इनकी। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, नकल करिए खूब करिए। आपने 80 सीटों पर जीत का दावा किया है, वहीं तारिक जी का कहना है कि आप पहले से भविष्य जान लेते हैं। जी हमारी जो तैयारी बूथ स्तर पर जो तैयारियां मेरी हैं, शक्ति केंद्रों पर जो हमारी तैयारियां हैं, और अभी आपने देखा 17 नगर निगम में कि हम लोगों ने किस तरीके 17 नगर निगम जीता, अब बहुत 17 जीता, 12-13 में हमने बहुमत से पार्षद भी जीते, तो ये कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट है। लोकसभा का चुनाव देखिए, विधानसभा का चुनाव देखिए, और जो चुनाव परिणाम है ये आज क्यों नकल कर रहे हैं हमारी भाई, ये भयभीत है, इनके पास कोई मॉडल नहीं है। ये बात तो यह वाजी की करते हैं, नीलाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, हमारे साथ जी, आपके पास आऊंगी, फिर आऊंगी मैं। जी जी प्लीज वेलकम। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपने दोनों दलों के अभियान को सुना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मयूर जी, पहले मैं सपा के प्रवक्ता की बात करूंगा, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी और तर्कसंगत लगी। इन्होंने कहा कि हम उस बात पर ध्यान देंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्यों घट रहा है और इस बात की जागरूकता फैलाएंगे। ये काम अगर आप करते हैं तो वास्तव में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टी होने का सबसे पहला धर्म यही है कि जनता में इस बात की जागरूकता लाई जाए कि उन्हें वोट देने निकलना है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज दशकों बाद भी उतना का उतना ही है, बल्कि घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये काम अगर समाजवादी पार्टी करती है तो निश्चित ही ये जागरूकता इनके लिए फायदेमंद साबित। इसके अलावा उन्होंने जितनी बातें कही वो प्योरली राजनीतिक बातें थी, और मेरा ये मानना है कि सामने वाला कितना बुरा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कितने अच्छे हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जनता को ये बताइए कि आप कितने अच्छे हैं, भाजपा कितनी बुरी है, ये बताने से आपका नेगेटिव जा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप मेहनत करिए, अपनी अच्छाइयों को बताइए, आप जनता के लिए क्या करा था आपने और आप क्या करना चाहते हैं, या जो आज भाजपा की कमियां उनको आप कैसे सुधार करके लाएंगे, वो रोड मैप क्या है आपका, ये जनता के सामने लेकर के आएंगे तो शायद आने वाले चुनाव में आपको समर्थन मिलेगा। भाजपा के प्रवक्ता जो है अभी बता रहे थे कि हमने रामनाथ कोविंद किस जाति से आते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय मुर्मू जी किस जाति से आती है, किस समाज से आती है, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम जाति पाति की बात ही नहीं करते, और जब उच्च पदों की बात आती है तो गिनाते हैं कि उस जाति के व्यक्ति को हमने इतने ऊंचे पद पर बैठा दिया और हम जात की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी पार्टियों की बुराई करती है, लेकिन साथ साथ वो काम अच्छाई के भी कर रही है, जो जनता को पसंद आ रहा है और जनता उनको वोट कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ देखने की जरूरत है। 2017 में आपका ग्राफ पूरे भारत में हुआ करता था, और 2023 में आपका ग्राफ सिमट करके सिर्फ बीच के भारत में रह गया है। आप ऊपर से भी गायब हो गए और नीचे से भी गायब हो गए, और आने वाले 2024 में जिस तरह की आपकी चीजें चल रही हैं और अगर यही स्पीड रही तो 24 में शायद आपका ग्राफ और घट सकता है, क्योंकि दिल्ली में जो समय घटना चल रही है जंतर मंतर पे, जो देश के पहलवानों के साथ, जो महिलाओं के साथ इतना बरबर सलूक हो रहा है और आपकी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ये चीजें जनता देख रही है। तो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और परसों महिलाओं के साथ वहां की पुलिस ने, आपकी पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है, वो दिल्ली की पुलिस है, वो आपकी पुलिस है, और आपकी पुलिस ने किस तरीके से उनसे व्यवहार किया है ये पूरी जनता देख रही है।
वो देश के नामी खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है उन्होंने, और आज देश में उनको कितनी इज्जत मिली और देश की सरकार उनको कितनी इज्जत दे रही है, इन बातों को जनता भूलेगी नहीं। तो 2024 में आप जो अच्छा कर रहे हैं इस घमंड में मत रहिए। घमंड का मतलब है कि आप इस इल्यूजन में मत रहिए कि आपकी अच्छाइयां ही जनता की नजर में है, आपकी बुराइयों को आपकी कमियों को भी जनता देख रही है। जो जनता जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है उसकी जेब पर जो बोझा पड़ रहा है वो भी जनता देख रही है, और जनता को 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है ये बातें बताने का कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि सरकार बन जाने या सरकार ना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो जनता को पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि चुनाव के हथकंडे बहुत अलग अलग होते हैं जो हर चुनावी पार्टी अपनाती है। तो दीपेंद्र जी, आपने दिलीप जी को सुना, जैसा कि आपने दो इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, 80 में से आपने 64 सीटें जीती, लेकिन देश में अभी ऐसे कई मामले हैं जो आने वाले चुनाव में आपको नुकसान दे सकता है। जी जी, मैं अभी चूंकि मैं दिलीप जी को बता दूं कि वो जो परिप्रेक्ष्य प्रजाति की बात मैंने वो माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय के जो दलित प्रेम था उस पर मैंने बात कही थी, वो संबंधित टिप्पणी थी। अब आए दिलीप जी की बात पे, मैं की बात से सहमत हूँ। दिल्ली में जो हमारे पहलवानों के साथ हुआ दुखद है, हम उस पर पूरी तरह सतर्क हैं, निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि मामला न्यायपालिका के बीच गया हुआ, तो अब उसमें जो भी होगा उसको देखेंगे आने वाले परिणाम के बाद, और हमें कमियां हैं उस पर हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं, हम उस पर जो भी हो सकता है सुधारात्मक कदम उठाएंगे, और जो हम कर रहे हैं वो अन्य लोगों को भी करना चाहिए। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, विवाद की पड़ी करता हूं थोड़ा सा, कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करते हैं, मैं सभी दलों को उसमें कांग्रेस सबको जोड़ रहा हूं, खूब करिए, लेकिन एक विपक्ष धर्म का पालन भी आप करिए। आपसे भी जनता को उम्मीद है, आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रखी है तो कल बदल भी सकती है, इसमें कोई पट्टा नहीं किसी का। 55 साल कांग्रेस ने चला है, हम भी चला रहे हैं, हर आदमी बेहतर करने का प्रयास करता है, कुछ कमियां भी रहती हैं मास लेवल पे, हम उस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, और ये पूरा विश्वास है जिस तरीके से ईमानदारी से हम जनता बिना किसी वर्ग जाति धर्म भेदभाव के हम जनहित का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता का जुड़ाव और जनता का प्रेम हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है और अपने कर्म पर पूरा भरोसा। जी ठीक है तारिक जी, अगर मैं निकाय चुनाव की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का वो प्रदर्शन नहीं रहा निकाय चुनाव में जो वो चाहती थी, नगर निगम में आप शून्य रहे, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो लोकसभा चुनाव आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हर चुनाव को चुनौती की तरह लेना चाहिए, मैंने बार बार यही कहा कि पहले से सीटें बीजेपी जीत लेती है, हम लड़ने की तैयारी। देखिए यहाँ सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि आपके ऊपर दायित्व है विपक्ष के रोल का, तो आप निभाने कहाँ देते हैं? जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो आप उसको छावनी बना देते हैं, विधानसभा में आप बोलने नहीं देते। लोकसभा का एवरेज आर जो था एक साल का मैम 1600 घंटे का था, आज 800-900 घंटे का हुआ है। अभी भी आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि 80 में से वो 40 सीट पर अभी भी जीत का दावा कर रही है लोकसभा चुनाव में, आपने दावे निकाय चुनाव में भी किया था, निकाय चुनाव में भी दावे किए थे, कहां चूक रह जा रही है? अभी मैं दावे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी बीजेपी प्रवक्ता लोकसभा की बात कर रहे थे कि विपक्ष को दायित्व निभाना चाहिए, क्या पक्ष अपना दायित्व निभा रहा है? चर्चा होगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? 700 किसान मर गए, आप 3 कानून लेके आए थे, आपने यह नहीं बताया लेके क्यों आए थे और हटाया क्यों, जवाब कौन देगा? केंद्र सरकार लेके आई थी, मुद्दे केंद्र के ही खिलाफ होंगे, ना आपने बताया लेके क्यों आए थे और ना आपने जस्टिफाई कराया कि उसको रिपील क्यों किया, वापस क्यों लिया, कौन बताएगा? कोरिया से आएंगे क्या वहां के प्रेसिडेंट बताने के लिए? प्रधानमंत्री लोकसभा में जाकर बताएंगे, जो संसद है डेमोक्रेसी का मंदिर है, गए आप उस मंदिर में बताने के लिए कि क्यों आपने ऐसा किया था? नोटबंदी आपने की, पूरा पैसा वापस आ गया, आरबीआई ने खुद रिपोर्ट किया कि 99.6% पैसा वापस आ गया, क्यों, कौन जवाब देगा?
इसका जवाब बाइडेन आके देंगे यहां पर, या जो फाइनेंस मिनिस्टर आपने बनाया वो देगा? कौन देगा जवाब? लेकिन लोकसभा में आकर या किसी उच्च पटल पर, और लोकसभा से अच्छा तो कोई पटल है ही नहीं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब हम ये सब सवाल पूछते तो आप कहते हैं ये सब देशद्रोही है, ये सब देशद्रोही है, इन सब को बटोरो। और बगल वाला बॉर्डर जो पंजाब की तरफ पड़ता है वहां पे, तो एक लैंग्वेज एक भाषा इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों क्यों हम सवाल ना पूछे? इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया कि कानून क्यों लाया गया था? इतना ज्यादा रिसोर्स सरकार के वेस्ट हुए क्यों? क्यों एक्सपोर्ट पे गेहूं चावल और शक्कर 2 साल से बैन है केंद्र सरकार का, एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते तीनों चीजें, क्यों क्यों क्यों? अगर एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी, एक्सपोर्ट होगा तभी तो किसानों को ज्यादा ज्यादा और ज्यादा उनकी कमाई होगी, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? हाँ इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देने के लिए बांग्लादेश से वहां की प्रेसिडेंट आई, ठीक है देवेंद्र जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तारिक जी का कहना है कि जब वो कोई सवाल उठाते हैं तो आप उन्हें देशद्रोह बता देते हैं। स्पेसिफिकली इन जो सवाल है मैम, ये जो स्पेसिफिकली सवाल है, मैं सभी को अपनी बात, स्पेसिफिकली उन सवालों का जवाब और समझदारी से बात कर घुमा के अभी फिर वही बात है। तमाम उन्होंने आपसे सवाल किए हैं, तमाम सवाल किए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर उससे बात कर रहा हूँ। जो किसान किसान हित की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ किया उस पे सीधा सीधा कहना है कि हमारी सरकार ने किसानों के हित में बहुत ही सार्थक पहल की थी और बहुत ही दूरगामी परिणाम वाले कदम उठाए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी विपक्षी दल बिना उसके तह में गए, बिना पूरी तरह हकीकत को जाने उन लोगों ने तूल दिया उस मुद्दे को, और हमारे सीधे साधे मेहनत कश देश के जो भविष्य है किसानों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया, और दुर्भाग्यपूर्ण है उसे वापस लेना पड़ा। और कभी इस पे अगर एक फोरम बनेगा, लोग बैठेंगे किसानों के हित के बारे में ईमानदारी से सोचने वाले, तो निश्चित रूप से उसका फिर से क्रियान्वयन होगा। बहुत ही लाभकारी योजनाएं थी, दुर्भाग्यपूर्ण उसको वापस लेना, क्योंकि जिसके लिए किया जा रहा जब वही संतुष्ट नहीं, वो भी सड़कों पे है, और आप लोगों ने देखा धरना प्रदर्शन का क्या स्वरूप रहा, और कौन से लोग उसके पर्दे के पीछे हैं ये पूरे देश ने देखा, ठीक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। जी दिलीप जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए जनता बेहतर चाहती है, वो बेहतर जो निकल के आएगा जनता उसको उस मंदिर तक पहुंचा दे। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने आप को बेहतर साबित करने में समर्थ नहीं हो पा रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस खेल को बाखूबी खेल ले जा रही है, इसलिए इनकी सरकारें बदली चली जा रही है। लेकिन 2024 का रण अभी इतना आसान नहीं है, अभी एक कर्नाटका का बड़ा चुनाव है जहां पर ये हारे हैं, हिमाचल का चुनाव ये हारे हैं, और अभी 5 राज्यों के चुनाव बाकी हैं, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी भी महत्वपूर्ण है। तो ये 5 राज्यों के चुनाव आपको 2024 की पिक्चर दिखाए। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें चुनावी तैयारी में सभी दल अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी टिफिन अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर जब सपा भी चलती नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने बूथ स्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कोई भी दल कोई भी कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पारा हाई नजर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहब।